हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का स्वागत है। आज बना रही हूँ आप सभी के लिए चना स्प्राउट। चना स्प्राउट यानी दालों और चने से बना हुआ एक नया नाश्ता, जो आपको हेल्थ के लिए अच्छा भी है और अच्छी एनर्जी देता है। तो चलिए बनाते हैं। ये देसी चने लिए हैं मैंने, पीले वाले, उस समय अंकुरित हो गए हैं। ये मोठ है, सभी चीज़ें सूखी हुई हैं 4 दिन पहले से। मूंगफली दाने हैं, सूखी हुई मसूर दाल है, चॉप किए हुए टमाटर, चॉप की प्याज, कुछ मसाले हैं, चॉप किया हुआ हरा धनिया, चॉप की हुई हरी मिर्च, काला नमक, सादा नमक, थोड़ा सा हींग ली है और काली मिर्च पाउडर। चलिए बना लेते हैं। कढ़ाई में हमने तेल गरम किया है काफ़ी अच्छे से, उसमें राई डाल दी है। राई के बाद हमने हींग डाल दी है, काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, जो स्वाद बढ़ाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। स्वाद के अनुसार आप मिर्चें डाल दें जितनी आपको पसंद है। कभी कभी कच्चा स्प्राउट खाने से काफ़ी लोगों को गैस बनती है, तो मैं नए तरीके से बता रही हूँ। आप इस तरह से खा के देखिए, काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी अच्छा लगेगा, टेस्टफुल है। चने डाल दिए मैंने इसमें और इनको भून लेंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। सभी चीज़ें तब तक गलाइए जब तक इनमें इस अंकुरित ना आ जाए। सारी चीज़ें अंकुरित वाली हैं, आप देख सकते हैं। चने को हमने भून लिया है, साथ ही डाल देंगे मूंगफली दाने। इसमें अंकुरित काफ़ी देर से होता है, ये 4 दिन भीगा पहले से है। इसको भी डाल दिए, हल्का हल्का इसमें अंकुरित हो गया है। इनको भी अच्छे से हमने भून लिया है। इस तरह से स्प्राउट बना है, काफ़ी अच्छा लगेगा। मोठ डाल दिया हमने गला हुआ, 3 से 4 चम्मच हमने मोठ डाल दी है। सभी को अच्छी तरह से हल्का हल्का भून लेंगे और आप एक बार बना के देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको खाने के लिए। काफ़ी हेल्दी नाश्ता है ये सुबह के लिए। खड़ा मसूर दाल है ये, आप देख रहे हैं इसमें स्प्राउट कितना कितना आ गया है और अंकुरित हो गए हैं काफ़ी अच्छे से। इन्हें अंकुरित करने के लिए रोज़ पानी बदलें, नहीं तो स्मेल आने लगेगी। रोज़ पानी बदलें और रोज़ नया पानी डालें इसमें। 4 से 5 दिन में सारी दालें और चने अंकुरित हो जाएंगे। सभी को हमने अच्छे से भून लिया है। हल्की सी एक पिंच हल्दी मिलाई है इसमें कलर के लिए। काला नमक डाल दिया है, जो पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सादा नमक डाल दिया है साथ में। सबको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। इन सभी को 1 से 2 मिनट ही भूनना है ताकि इसका कच्चापन नहीं रहे और गैस भी ना बने, इसलिए हमने हींग भी डाली है। और आप इस तरह से एक बार बना के देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बन के ठंडा हो गया है तो मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। काफ़ी हेल्दी नाश्ता है, आप अपने बच्चों को और अपने लिए बना सकते हैं। काफ़ी जल्दी बनता है, इसके लिए आपको तैयारी 4 से 5 दिन पहले के लिए करने पड़ेगी, इन सभी को गलाने के लिए ताकि ये सब समय पे अंकुरित हो जाएं।
ऊपर से डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज आप जितना चाहे मर्जी से खा सकते हैं। साथ ही हमने चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए इसमें। सारे मसाले हमने पहले ही डाल दिए थे। एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं आप इसमें। साथ ही हमने हरा धनिया डाल दिया है। एक बार खा के ज़रूर देखें। तैयार है चना स्प्राउट। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।